नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट 2018 का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पत्र 1 to 5 का है, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी रखा है वे इस आंसर से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। यह सेट एल है। हिंदी क्लब के द्वारा आपको सही आंसर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ डाउटफुल आंसर भी है, उसे मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 91 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। 91, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका करेक्ट आंसर है 2, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अगला प्रश्न, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझने के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। इसका करेक्ट आंसर 2 है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। 94, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर 4 है, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। 95, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर 4 है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। 96, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है। इसका करेक्ट आंसर 3 है, लिखने। 97, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 है, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। 98, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर है 4, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। 99, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। इसका करेक्ट आंसर 2 है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर है 4, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। इसका करेक्ट आंसर 2 है। 102, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर 2 है, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। इसका करेक्ट आंसर 4 है। 104, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला प्रश्न, खाली स्थान, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है संप्रेषण। इसका करेक्ट आंसर 2 है।
नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 106 से 111 के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इस कविता को आप लोग अपने शब्दों में देख लीजिए, मैं इसका जो आंसर होगा उसे आपको बताता हूँ। जैसे 106, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा, अनिश्चितता की ओर। अगला प्रश्न, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? इसका करेक्ट आंसर दूसरा है, सुख और दुख। अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? इसका करेक्ट आंसर तीसरा है, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। 109, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर चौथा है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर पहला है, जयमाला। 111, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, ता। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों जैसे 112 से 120 के बीच सही उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कर। तो इस गद्य को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसके जो प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इसे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। इसका करेक्ट आंसर पहला है। अगला प्रश्न, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आपने जो भी टिक किया है इसको मैं संदेह के घेरे में रखता हूँ, 50-50 इन दोनों में से एक होगा। वैसे तो इसका आंसर पहला होगा, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। अगला प्रश्न, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि सही नहीं है, इस गद्य में जो नहीं आया है उसे पूछ रहा है। जैसे इसका करेक्ट आंसर तीसरा है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, बल्कि इस गद्य में कहा गया है कि गीत कविता को समाज में बहुत ही महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है, चार, वाधक के रूप में। अगला प्रश्न, 116, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डॉट है, क्योंकि यहां पर इसका आंसर ये भी हो सकता है कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। तो इसको संदेह के घेरे में रखता हूं, लेकिन वैसे इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, माता और पिता, क्योंकि इस गद्य में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि माता पिता बच्चों का लक्ष्य निर्धारण करते हैं।
118वां प्रश्न, कविताएं सुनी सुनाई जाय में क्रिया है, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर तो होगा द्विकर्मक, लेकिन यहां पर पूछने के संदर्भ में कुछ विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर प्रेरणार्थक भी हो सकता है, वैसे तो होना चाहिए द्विकर्मक। 119वां प्रश्न, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, इसका तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दो, इक प्रत्यय। 120वां प्रश्न, मंजूर का समानार्थी शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, स्वीकार। ये जो हिंदी क्लब के द्वारा आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है उसमें बहुत ही बारीकी से देखा गया है और बहुत ही बारीकी से सभी प्रश्नों पे चिंतन किया गया है, तो 99% आंसर सही हो सकता है, आगे आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।